और इसके आगे स्लैश लगाकर हम यूज़र मैन लिख लेंगे या यूज़र मैनेजर लिख लेंगे। ठीक है जी, ये यूज़र मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है जी, बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र मैनेजर है, यूज़र मैन या यूज़र मैनेजर एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन देना पड़ेगा एडमिन, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, अब ये इनवैलिड का मैसेज कह रहा है। ठीक है, इनवैलिड का मैसेज उस वक्त कहता है कि जब इसका यूज़र पीछे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता या उसका पासवर्ड कोई चेंज होता है। ठीक है, मैं अभी ये काम करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको एक दफ़ा ना ज़रा रीस्टार्ट करवा देता हूँ। यूज़र मैं आपको बनाना बता दूँगा इसका, वो कैसे बनाना है हमने। सर ये सब काम सेव करवाने तो कुछ सेव हो जाएगा इसमें, किसमें, रेडिस में, ये जो भी हम लोगों ने पीओके माइक्रोटिक में काम किया। हाँ जी, वो उसका बैकअप हम लेंगे ना, बैकअप ले लेंगे, उस बैकअप के अंदर चले, वैसे ही ऑटोमेटिकली साथ साथ सेव हो रहा है, सेव कर रहा है। हमें यानी सेव का बटन प्रेस नहीं, ज़रूरत नहीं, इसमें है ही नहीं सेव का बटन इसमें। नहीं, वो किसी और का था, वो इसका एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा टर्मिनल पे जाके ना, यहाँ ना इसका, ये अक्सर बात करती है, मसला कर जाता है, वैसे अभी से आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था इसका ये मसला। यहाँ पे जाके ना टर्मिनल के ऊपर हमने इसका न्यू टर्मिनल यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, स्लैश टूल्स, मौसम क्या बात है,
कि इस तरह ना आपने इसका ना यूज़र क्रिएट कर दिया, बाद का भी एग्जिस्ट नहीं करता तो शुरू में इंस्टॉल करते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। न्यू टर्मिनल में जाके यूज़र क्रिएट, हाँ न्यू टर्मिनल में जाते हैं, तो 1 2 3 पासवर्ड वीडियो बन रही है इसका, दो सेव हो गया, हाँ वो चल रही है, वो डेस्कटॉप पे चल रही है। जी ये इसका आ गया कंसोल, ठीक है, यूज़र मैनेजर इसका माइक्रोटिक का। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो मसला करा था वो इसके यूज़र का मसला था जिस वजह से नहीं हो रहा था, यूज़र हमने उधर बना लिया। ये राउटर्स का पहला बटन है, ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले हमने एंट्री करनी है, ऐड का बटन प्रेस करना है, न्यू बटन प्रेस करना है, यहाँ पर अपने नेटवर्क का नाम दे देना, आपने कुछ भी आप देना चाहते हैं, एयर ठीक है देता हूँ। यहाँ पे आपने वही वाला आईपी लगाना है, यहाँ पे 127.0.0.1 शेयर्ड की वही वाली लगा देनी आपने, 123 जो मैंने उधर लगाई है, ठीक है। टाइम जोन सेट कर देना आपने +5, ये +5 ठीक हो गया। उसके बाद ये लॉग इवेंट कुछ बनाएगा, ठीक है, अथेंटिकेशन के ऊपर, तो इनको आपने सबको अनेबल कर दें आप इसको। इसके बाद आपने ऐड कर देना है, ये राउटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके, यानी कि आईपी वगैरह हमने दे दिया इसका। अब एक कस्टमर्स है, असल मसला ये कर रहा था, ये यहाँ पे एंट्री नहीं एग्जिस्ट हो रही थी यहाँ पे इसके, तो इसका हमने पासवर्ड वगैरह जो भी रीसेट किया उधर से। अब अगर मैं एक और एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता हूँ, मैं उसको भी ये प्रिविलेज देना चाहता हूँ कि वो भी रेडियस को यूज़ कर सकता है, ठीक है, तो वो कैसे करना है, एड न्यू लॉग इन नेम फर्ज करें मैं नवीद बना देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड उसका कुछ भी रख देता हूँ, और उसके बाद उसका पेरेंट उसका एडमिन है, परमिशन क्या देना चाहते हैं आप उसको, फुल रीड ओनली या रीड राइट या ऑनर क्या देना चाहते हैं, मैं फुल देना चाहता हूँ, ठीक है फुल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये उसकी एक्सेसिंग लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट है, इसके लिए उसका किस किस चीज़ को वो यूज़ करेगा। उसके बाद ये इसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उस यूज़र के बारे में, ठीक है, और ये साइन अप के बारे में कुछ है, ठीक है, और ये इसके फॉर्मेट्स है, करेंसी का फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर, तो इसको आप यहाँ पे ऐड अप कर लें। ये दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गया, आप एडमिन के बजाय आप नवीद से भी लॉगिन कर सकते हैं रेडियस को ओपन करने के लिए। ये तो ये थी कहानी इसकी। अभी हमने सबसे पहला काम क्या करना है, कि सबसे पहला काम हमने इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करने हैं, जैसे हमने हॉटस्पॉट के अंदर किए थे, एज इट इज़ हमने इसके अंदर करने हैं बिलिंग के लिए। अच्छा, प्रोफाइल हमने क्लिक किया, प्लस का बटन क्रिएट करने के लिए, प्रोफाइल का नेम मैं दे देता हूँ 1 Mbps, क्रिएट कर दिया। ये कुछ तो वो दे रहे हैं 1 Mbps नाम दे।